नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या सोचते हैं कि कहीं गए और आर्ट दिखा के आ गए, उतना तक सीमित नहीं है। बहुत हिम्मत, एक दिन मतलब हिम्मत करके मैं घर में बोला कि मेरे को ये नहीं करना है, और उस समय को याद है मैं बहुत रोया था उस दिन, तो मम्मी के सामने बोला था, मैं अलग से रूम में मम्मी को बैठा के कि मैं, और समझाया था। मतलब एक चीज मेरे को अपना अच्छा लगता है कि मैं कुछ सोचता हूँ ना उसको समझाता हूँ, सामने वाला मान जाता है उस चीज को। मैं माना हूं कि नहीं पता नहीं, सामने वाला मान जाता है मेरी बात। तो मैं मम्मी को इस तरीके समझाया था, ये शायद किसी को सुन के आइडिया मिल जाए, कि मैं उनको ऐसे समझाया कि देखो अभी आसपास बहुत सारे लोग सीए कर रहे हैं, और अभी ऑलरेडी बहुत सारे लोग सीए बन चुके हैं, तो इसकी डिमांड अभी इतनी है, आगे चल के इतनी होगी, आगे चल के कम होगी, लेकिन आर्ट में कोई नहीं है तो इसमें इसको बढ़ेगा, ऐसा करके समझा दिया मैं। तो मम्मी समझ गई, मम्मी को लगा हाँ सही बोल रहा, अच्छा अच्छा बात बोल रही। तो फिर धीरे धीरे वहां से फिर स्टेप लेना शुरू किया मैं। और फिर क्या हुआ ना, अब मैं बोल तो दिया, मेरे को खुद को डर था, मैं सामने वाले को तो समझा दिया लेकिन खुद को डर लगा हुआ था। तो लेकिन ये था कि अब बोल दिया है तो मतलब अब मुकर नहीं सकते, ये सोच के फिर मैं उसको कंटिन्यू करता रहा। फिर जैसे जैसे इंप्रूव होता रहा आर्ट, उस समय भी मतलब फिक्स नहीं था कि मैं इसको करियर के तौर पे करूंगा, लेकिन जैसे जैसे इंप्रूव होते रहा ना, तब एग्जीबिशन में जाने लगा, इधर उधर और जगह जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिली जाने लगा, तब फिर धीरे धीरे वो इतना बढ़ गया कि फिर फिक्स हो गया कि इसी में ही रहना है। तो ये हुआ था। दैट्स ग्रेट सर. मतलब और उस टाइम से लेके अब तक वो जर्नी पे वो हमेशा याद रहते हैं कि कैसे स्टार्ट हुए थे. हाँ ऐसे मम्मा को मना हाँ के इसीलिए साइड में, मैं, क्योंकि मम्मा का ना सॉफ्ट कॉर्नर होता है यार दिल में, तो हमेशा मम्मा को ही हाँ मनाया पहले जाता है जनरली. पापा से बात करने से पहले मम्मी को समझाओ, फिर पापा के पास जाओ, तो ये सब इसमें भी स्ट्रेटेजी है, स्टेप यस सर, स्टेप बाय स्टेप. बाय स्टेप। यस सर. सो सर, आपने बहुत सारी एग्जिबिशंस भी कर रखी हैं, अटेंड भी करी हो, आप रामवी सुतार सर से भी मिले हुए हैं. सो आपका एग्जिबिशंस में कैसा एक्सपीरियंस रहा है, एंड स्पेशली जब आप सर से मिले तो उस एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ा इलाबोरेट करके बताएं. सबसे एक चीज होती है ना कि जब मैंने पहला एग्जीबिशन अटेंड किया था तो वहां की पेंटिंग को लगाने की फीस करीब 2000 रुपीज थी, सिर्फ पेंटिंग को लगाने की। उसके बाद फिर आने जाने का जो कॉस्ट होगा, जो वहां पर रहने का कॉस्ट होगा, सब खुद देना था। तो इससे क्या हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब मैं खुश था उसमें भी कि मेरे को मौका तो मिला कि पहली बार कहीं जा रहा हूँ। डर लग रहा था, पहली बार मैं जब दिल्ली गया था तो उस समय डर भी था, क्योंकि मैं अभी तक उस समय तक कभी कहीं ऐसे निकला नहीं था अकेले। तो और दिल्ली के साथ थोड़ा सा पुराना एक अच्छा रिलेशन नहीं था मेरा, क्योंकि बचपन में गया हूँ मैं घर वालों के साथ, तो वहाँ बचपन से एक मेमोरी जुड़ा हुआ था कि यहाँ पे सब अच्छा नहीं है, भीड़ भाड़ और जो लोगों का बिहेवियर कुछ होगा, बचपन का याद था एक, तो बहुत कुछ था जो मन में चल रहा था। तो लेकिन उस एग्जीबिशन को अटेंड करके बहुत एक अच्छा लगा कि यहाँ पे लोग हैं जो आर्ट के बारे में एटलीस्ट बात तो करते हैं, क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता था वहां पे बोलने वाला भी कोई नहीं था। मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई आर्ट इस टॉपिक के ऊपर कोई बोले। तो जब मैं वहां पे गया तो दो लोग रास्ते पे खड़े होकर नाश्ता कर रहे हैं और पेंटिंग के बारे में कुछ बात कर रहे थे, तो मैं बस दूर से सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। पता नहीं पहली बार लाइफ में मतलब मैं रास्ते पे किसी को आर्ट के बारे में बात करते हुए सुना, तो वो चीज एक दिमाग में बैठ गई। और यहाँ पे एक चीज होती है, अब उस एग्जीबिशन को अटेंड करके जब मैं वापस आया ना, तो एक सर थे, वो बोले कि तू गया तो सही लेकिन देखना इसमें मतलब कोई बेनिफिट हुआ कि नहीं। तो वो चीज एक अजीब सी लगी कि बेनिफिट मतलब क्या, कि ये चाहते थे कि पेंटिंग सेल हो जाए, कि ये चाहते थे कि मतलब कुछ मॉनेटरी रिटर्न मिले, कि क्या सोच के ये ऐसा बोले कि तेरा कुछ बेनिफिट हो जाए। तो वो चीज एक तो दिमाग में अच्छी नहीं लगी मेरे को। फिर मेरे को समझ में आया कि थोड़ा माइंडसेट मतलब इंप्रूव करने का जरूरत है, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि कहीं जाए तो पहला एग्जीबिशन जा रहे हैं या फिर कहीं पे शो अटेंड कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग क्या सोचे आते हैं कि कुछ सेल हो जाएगा, या कुछ मतलब हम लोग इतना खुद का इन्वेस्ट क्यों करें, हमको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए उसके बदले। तो वो बड़ी पिक्चर नहीं देखते हैं, बड़ी पिक्चर समझना जरूरी है कि हम लोग जाए वहां पे जो एक्सपीरियंस मिला वो बहुत ज्यादा आगे हेल्प करता है। तो उस समय थोड़ा अजीब सा भी लगता था, क्योंकि आसपास के लोग तो वही बोलते हैं ना कि गए तुम्हारा फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, सब यही पूछते हैं कि तुम वो एग्जीबिशन में फिजिकल गए चीज़ तुम्हारा क्या फायदा क्या मिली हुआ, तुम्हें, फायदा क्या हुआ। सर्टिफिकेट उनको हम मिला नहीं समझा वो. नहीं, यस हाँ सर. उनको क्या है, पैसा मिला ये दिखाओगे तो उनको समझ में आएगा, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं उनका बस माइंडसेट यहीं तक अटका हुआ है। लेकिन उनको उस समय समझाते नहीं बना, लेकिन अभी धीरे धीरे जब चीजें अच्छी हो रही हैं तब फिर उनको समझाना भी नहीं पड़ता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी अगर अभी सुन रहे होंगे इसको, तो ये चीज हमेशा मतलब याद रखना कि लोग पूछते हैं,
उल्टा जवाब पूछते हैं कि इसका फायदा क्या है, इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ, तो उस समय खुद को खुद के ऊपर डाउट आ जाता है कि यार सही बोल रहे हैं ये लोग, तो क्या फायदा पता नहीं, उनको उनको रिप्लाई देते नहीं बनता है। लेकिन मेन ये कि चुप रहो उस समय, अपना काम करते रहो, फिर वो क्या बोलेंगे चले जाएंगे, उनके उस ताने के कारण स्किप मत करना अपना काम। यस सर, एब्सोल्युटली। और जब हम एग्जीबिशन में जाते हैं वहाँ सिमिलर माइंडसेट के लोग मिलते हैं, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है कि हाँ इस चीज़ में सेम चीज़ जैसे आपने कही कि किसी को सुना आर्ट के बारे में बोलते हुए। यस यस। एंड वहाँ पे आप लोगों से मिलेंगे फिर बाद में थ्रू इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जैसे भी कनेक्ट होंगे लोगों से, सो फिर वो एक उसी चीज़ का मेल होता है। यस सर, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या सोचते हैं कि कहीं गए और आर्ट दिखा के आ गए, उतना तक सीमित नहीं है। हम लोग वहाँ गए, एक तो बाहर निकलने का एक्सपीरियंस मिला, एक तो दूसरे आर्टिस्टों से मिलने का एक्सपीरियंस मिला, एग्जीबिशंस में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए उसका आइडिया समझ में आया, और क्या क्या नहीं करना है अगली बार से जब हम जाएंगे, तो क्या क्या गलती नहीं करनी है या किस तरीके से और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। अब पहली बार मैं पेंटिंग लगा के खड़ा हूँ, लोग पूछ रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, लेकिन वो चीज़ भी समझ आई कि अगले बार प्रिपेयर रहना है। तो उससे जितना ऐसा ऐसा फायदा मिला जो दूसरे को बता नहीं सकते, लेकिन खुद को पता है कि उसका मतलब कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस था। यस यस, एब्सोल्युटली। और सर, आप रामवीर सुतार सर से आपको अवार्ड भी मिला था, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ा सा शेयर करिए। वो सिचुएशन एक्चुअली ऐसी थी कि मुझे पता नहीं था कि सर कौन है, क्योंकि मैं तो पहली बार निकला हूँ घर से, और पहली बार देखना शुरू किया कि ऐसे आर्टिस्ट होते हैं बड़े बड़े और काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो मेरे को जब तक मैं बंद था अपने वहां पे तो कुछ नहीं पता था मेरे को। तब फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि ये रामवीर सुतार सर है, ये पद्म भूषण इनको मिला है, इतने इतने ज्यादा इनको सम्मान मिल चुका है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको। जब धीरे धीरे लोगों से पता चलना शुरू हुआ, तब फिर मुझे पता चला कि मैं इनसे अवार्ड लिया हूँ, ये तो अभी तक मुझे नॉर्मल लग रहा था वो। तो फिर मैं पेंटिंग के सामने खड़ा था, जो पेंटिंग मैंने वहां पे लगाई थी, तो वहां खड़ा था, तो सर राउंड पे थे, सर सबकी पेंटिंग देख रहे थे। तो सर जब मेरी पेंटिंग के सामने आए, तो वहां पे मैक्सिमम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लगाया था, एब्स्ट्रैक्ट या फिर कोई स्कल्पचर टाइप का, या फिर कुछ मतलब कुछ डिफरेंट स्टाइल को उन्होंने फॉलो किया था, रियलिज्म के ऊपर बहुत कम थे। तो अब वो टाइम भी ऐसा था जब हम नेट में देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट इतने में सेल हो रहा है, तो ये सब बहुत अफवाह बात उठा हुआ था। तो सर आए और जब मेरा वर्क देखे, तो वो धीरे से बस एक चीज बोले कि आजकल मतलब बहुत लोग चेंज कर लेते हैं दूसरे को देख के, तू चेंज मत करना। ये चीज वो बोले थे मेरे को, बहुत आराम से धीरे से कान के पास बोले थे कि तू चेंज मत करना। मैं बोला, मैं समझा उस चीज को कि सर मतलब कुछ सोच के बोले होंगे। तो ये कुछ लेसन्स थे उनसे जो मेरे को मिले थे, जिसको मतलब मैं अभी तक फिक्स रखा हुआ हूँ कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज मतलब मैंने सीखी थी। और ये भी लाइन मैंने एक बार शेयर भी किया था अभी यूट्यूब पे कि उनसे मैंने एक चीज सीखी थी कि कभी भी स्टार्टिंग से ये मत सोचना कि अपने वर्क से कैसे अर्न करोगे। वो क्या करते थे, बताते थे कि पेंटिंग किसी को दे दी फ्री में, जिसको दी उसने अपने घर पे लगाई, उसको देख उसके घर चार लोग आए, उन चार लोगों ने देखा उस पेंटिंग को, पूछा किसने बनाया, फिर उन चार लोगों को पता चला, फिर ऐसे करते करते अपना प्रमोशन हो गया, ये सर ने बताया था। तो कभी भी स्टार्टिंग से ये मत लाना कि आपको कैसे रिटर्न मिलेगा चीज, आपको करते जाना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर किसी को इस इंटरव्यू के चक्कर में किसी को भी थोड़ी सी भी बात लगती है जो उनको हेल्प करे, तो वो डेफिनेटली मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे इमोशनली, भले वो मेरे को बाद में देखे नहीं देखे, लेकिन उनके नजर में एक बार वो मुझे देख के किसी भी पॉइंट में उनको वो पॉइंट अच्छा लग जाएगा, कुछ चीज हेल्प कर जाएगी, तो उनको वो कनेक्ट हो जाएंगे। वो मुझे नहीं पता कि कौन कनेक्ट हो रहा है, लेकिन जो हो रहे हैं उनको पता है। तो वैसे ही जब हम किसी के साथ भी नेटवर्क करते हैं, तो उस पॉइंट पे वो चीज छोटी लगती है। जैसे अगर मैं एग्जीबिशन में जा रहा हूँ, चार आर्टिस्टों से मैंने बात की, चार आर्टिस्टों का मैंने कांटेक्ट लिया, उनसे मैं कनेक्शन में हूं, उस पॉइंट पे वो बात छोटी लगेगी, सिर्फ नंबर ही तो लिया है, कौन सी बड़ी बात है। वो उस पॉइंट पे हमेशा नेटवर्किंग छोटी लगती है, लेकिन उसका इफेक्ट तब आता है जब आप वो काम को कंटिन्यूस करते हो, और फिर वो लोगों के जरिए कुछ ना कुछ कनेक्शन बनते चले जाते हैं। जैसे एक एग्जीबिशन में मैं गया, चार पांच आर्टिस्ट मुझे मिले, उनसे कनेक्शन बन गया। अब मैं फिर से कुछ महीनों बाद एक एग्जीबिशन में गया, उन कुछ आर्टिस्टों में से कुछ आर्टिस्ट वहां भी थे, तो अब उन्होंने मुझे पहचान लिया कि हाँ हम वहां मिले थे, हमने उस समय बात की थी,
तो अब ऐसे क्या हुआ, 2-3 बार जब हम मिल गए तो एक बॉन्डिंग बन गई। तो उनमें से कईयों के मैं घर भी जाके मिला हूँ कि अब पर्सनल लेवल पे भी बॉन्डिंग बन गई कि घर पे जाके भी मिला हूँ मैं, उनके साथ बैठा है, उनके फैमिली के साथ बात की है। तो इससे क्या होता है ना, अब वो लोग सोशल मीडिया पे भी कनेक्टेड है। तो कोई ऐसी चीज होती है जो जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे अपने कुछ लेसन्स डाल रहा हूँ, ये उनको पता चल गया क्योंकि ये चीज मैं अपने अपने में डाल रहा हूँ और वो मुझसे कनेक्टेड है, उनको पता चल गया। अब उनके फैमिली में या उनके कुछ कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे किसी को ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग फिर मुझे सजेस्ट कर देते हैं कि आप इनके पास जाओ, ये हमारे पहचान के हैं, इनका वर्क देखो। तो वहां से फिर और एक नेटवर्क बन जाता है। तो ये चीज धीरे 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 ग्रो होती है और आपको नहीं पता कि कौन सा पर्सन किस जगह पे कौन सी अपॉर्चुनिटी दे दे। तो माइंडसेट की बात है कि आप किस माइंडसेट से वहां पे जा रहे हैं, किस तरह से आप अपना काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, अगेन सर, यस सर, इसी से रिलेटेड कि लोगों को लगता है आर्ट में सिर्फ स्किल सेट जरूरी है, लेकिन स्किल सेट से पहले मुझे ऐसा लगता है कि माइंड सेट होना ज्यादा जरूरी है। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा माइंड सेट हर चीज इम्पोर्टेंट है, माइंड सेट के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं। खैर माइंड सेट तो ऐसा है कि जो हमें खुद को डेवलप करना पड़ेगा। अब सबसे अच्छी चीज क्या है माइंड सेट को डेवलप करने के लिए, हमेशा ऐसे लोगों को सुनो जो